करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, कितने वैज्ञानिक को हरियाणा विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 11, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आपको पता होगा कि 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर क्या है, इन वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस गांव में T-55 टैंक स्थापित किया गया है? तो हरियाणा का कौन सा गांव है जहां पे ये बैंक स्थापित किया गया है, टैंक स्थापित किया गया, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी बापोड़ा। बापोड़ा में क्या T-55 टैंक स्थापित किया गया है? और आपको पता होगा ये बापोड़ा कहाँ है, भिवानी जिले में है, भिवानी जिले में है बापोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहलवान रवि दहिया ने यासर डोगू रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? जो पहलवान रवि दहिया है, इन्होंने यासर डोगू रैंकिंग में सीरीज में पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और ये रवि दहिया कहाँ के रहने वाले हैं, अगर ये पूछे तो आप बता दोगे ये कहाँ के रहने वाले हैं, सोनीपत के है। और इन्होंने 61 kg वर्ग में क्या है ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इन्होंने ये सेम रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था, रजत पदक। तो आप ये भी बता सकते हैं कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है, टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है, ओलंपिक में रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट विज्ञान कहानी के लिए किससे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेस्ट विज्ञान कहानी के लिए कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया और किसे किया गया है? तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डॉक्टर प्रभजोत कौर को क्या है, बेस्ट विज्ञान कहानी के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राची लोहान ने एशियन कैडेट फेंसिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो प्राची जी ने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने रजत पदक जीता है। और ये प्राची जी कहाँ की रहने वाली है, ये जींद जिले की रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश स्तरीय पशु मेला आयोजित किया जाएगा? तो पशु मेला कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ये हमारा किया जाएगा भिवानी जिले में। ये कब से कब होगा, ये आयोजित किया जा चुका है, ये 25 फरवरी से 27 फरवरी। और हमारे कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है, जेपी दलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कितने शहरों के राशन डिपुओं में माइक्रो एटीएम मशीन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? तो हरियाणा के कितने शहरों में शुरू किया जा रहा है, ये 5 शहरों में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कितने बेड से अधिक क्षमता वाले नागरिक अस्पतालों में कैटरिंग सेवा शुरू की जा रही है? तो कितने में की जा रही है, तो यहाँ पे याद रखना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले के लघु सचिवालय में गूगल ऑफिस की तर्ज विशेष कक्ष बनाया गया है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें लघु सचिवालय में क्या है, गूगल ऑफिस की तर्ज पर विशेष कक्ष बनाया गया है? तो वो हमारा क्या है, हिसार जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी ने क्या है, 138 साहित्यकारों को क्या किया है, सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत शिक्षक सुशील शास्त्री को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो संस्कृत शिक्षक है सुशील शास्त्री, उनको एक पुरस्कार दिया गया है, तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, वाण भट्ट पुरस्कार। और हमारे जो सुशील शास्त्री जी है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हिसार जिले के रहने वाले हैं, हिसार निवासी है सुशील शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस हरियाणवी साहित्यकार के पैतृक गांव गुड़ियानी में एक सरकारी ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी? तो कौन से हरियाणवी साहित्यकार है जिनके गांव में क्या है, ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। और इनका पैतृक गांव कौन सा है, ये गुड़ियानी कहाँ पे है, ये रेवाड़ी में, रेवाड़ी में के गांव है गुड़ियानी, वहां पे क्या है, उनकी एक हवेली में एक सरकारी ई लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला ऐसा गांव कौन सा बनने जा रहा है जहां ग्रामीण सेक्टर विकसित किए जाएंगे? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा गांव है जहां पे क्या है, ग्रामीण सेक्टर विकसित किए जाएंगे? तो वो क्या है, इसराना। और इसराना कहाँ पे है, पानीपत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कब तक हर घर घर नल जल हर घर से सॉरी हरियाणा में कब तक हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, दिसंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किस अनूठी पहल को शुरू किया गया है? तो कौन सी अनूठी पहल है जिसको शुरू किया गया है, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कमर्शियल ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए कौन सा सेंटर खोला जाएगा? तो कमर्शियल ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए कौन सा सेंटर खोला जाएगा, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर अब कितने साल कर दी गई है? तो अब हरियाणा में क्या है, शराब पीने की उम्र जो पहले 25 साल थी, अब उसको घटाकर क्या कर दिया गया है, 21 साल कर दी गई है। 21 साल, इसके अनुसार क्या है, 21 साल से कम उम्र के लोगों जो युवक है वो शराब बेचने या अन्य दंड करे तो उनको 50,000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन 21 साल से ऊपर के बच्चे शराब पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ऐप के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं? किस कौन सी ऐप है जिसके माध्यम से क्या है, जरूर जिनको जरूरत है वो घर बैठे ही डॉक्टर से क्या है, सलाह ले सकते हैं? तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ई संजीवनी ऐप, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PMJAYE से प्रमाणित कितने अस्पताल हरियाणा में फरवरी 2022 तक कार्यरत है? तो कितने अस्पताल कार्यरत है, 96, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो इंटरनेशनल एकेडमी है उसके उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, सी प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को क्या उपाध्यक्ष बनाया गया है, और ये प्रोफेसर टंकेश्वर कहाँ के, ये महेंद्रगढ़ के कुलपति है प्रोफेसर टंकेश्वर, इनको क्या है, फिजिकल साइंस का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी जाती है? तो हरियाणा में कौन सी योजना है जिसके तहत क्या है, कोई भी बेटी अगर जन्म लेती है तो 21,000 रुपए की राशि दी जाती है? तो क्या है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ये एक सरकार की तरफ से योजना है जिस पर क्या है, बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये किस लिए है कि आजकल जो बेटियों में भ्रूण हत्या करवा रहे हैं उसको रोकने के लिए, जो हमारे इक्वालिटी है, लिंग अनुपात है, इसको में सुधार लाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड के लिए चुना है? तो हरियाणा सरकार ने कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड के लिए चुना है, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले से दिल्ली के लिए एक सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जहां से क्या है, दिल्ली के लिए एक सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी? तो वो कहां से चलाई जाएगी हमारा, हिसार से दिल्ली के लिए क्या है, सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होने वाली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का रखा गया है? तो कितने रुपए का रखा गया प्रथम पुरस्कार, 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया जाया है?
लगाया गया है। तो हरियाणा का कौन सा शहर है जिसमें देश का पूरे का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया गया है, तो वो कौन सा होगा? रेवाड़ी। हरियाणा में सभी जिलों में कितनी लेबर चौक पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएगी? तो हरियाणा के कितने जिलों में क्या है लेबर चौक पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएगी? तो हमारे यहाँ पे 100 लेबर चौक पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईटीआई से पास उद्यमियों को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आईटीआई से पास उद्यमियों को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उद्यमी अवार्ड से क्या है इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये हरियाणा के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की 20वीं जेल बनाई गई है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें 20वीं जेल बनाई गई है? तो उसका आंसर क्या जाएगा? नुहू जिले में क्या है प्रदेश की 20वीं जेल बनाई गई है। अब जेलों की संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दी है? 20 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, में हर ब्लॉक में कितने एकड़ में क्लस्टर बनाए जाएंगे? तो कितने एकड़ में क्लस्टर बनाए जाएंगे? 50 एकड़ में। नेक्स्ट देखिए, किस हरियाणवी ने ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो कौन सी हरियाणवी है जिसने ओडिशा ओपन 2022 में क्या है महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो हमारा आ जाएगा उन्नति हुड्डा। और ये उन्नति हुड्डा कहाँ की रहने वाली है? रोहतक जिले की रहने वाली है ये। और ये 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा है और इन्होंने अभी 2022 में जो ओडिशा ओपन हुए थे उसमें क्या है खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने अग्निशमन सेवा में पुरुष की हाइट कितनी तय कर दी है? जो अग्निशमन सेवा है उसमें हम जैसे हाइट होती है उसमें पुरुष की हाइट कितनी कर दी गई है? 170। और यहाँ पे अगर पूछा जाए तो वुमन की हाइट कितनी है, तो वोमन क्या आ जाएगी? 152 सेंटीमीटर। ठीक है, मैन की 170 एंड वुमन की 152 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 के लिए आजीवन साहित्य साधना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 के लिए आजीवन साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ज्ञान प्रकाश विवेक, ये हमारे मनोहर लाल जी खट्टर ने सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार में 7 लाख रुपए की राशि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019 के लिए आजीवन साहित्य साधना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? माधव कौशिक को। माधव कौशिक को क्या है, इन्हें भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ही सम्मानित किया गया है। और इन्हें भी कितने हैं? 7 लाख रुपए दिए गए हैं सम्मान राशि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018 के लिए आजीवन साहित्य साधना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसके लिए भी ये 2018 के लिए सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सुरेश गौतम को सम्मानित किया गया। और इसमें भी सेम क्या है, 7 लाख रुपए दिए गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017 के लिए आजीवन साहित्य साधना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें देखना है 17, 18, आप 20, तो ध्यान में रखना है आपको कि कौन से ईयर में किसको सम्मानित किया गया है। तो 2017 के लिए किसको किया गया है? डॉक्टर कमल कशोर गोयंका को सम्मानित किया गया। और इसमें भी क्या है, 7 लाख रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फके हरियाणा सम्मान वर्ष 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फके हरियाणा सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कुमार पानीपति, डॉक्टर कुमार पानीपति को। और इसमें सहायता राशि कितनी दी जाती है, ये भी मनोहर लाल जी ने ही दिया है पुरस्कार। इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है, उसमें 7 लाख रुपए थी और इसमें कितनी है, 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान वर्ष 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जो महाकवि सूरदास है उनके आजीवन साहित्य सम्मान है, तो उसे किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को सम्मानित किया गया है। और इसके लिए सहायता राशि भी कितनी होगी, 5 लाख रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान वर्ष 2019 वाले में किसे सम्मानित किया गया है? तो
2019 में सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता को, और इसके लिए भी सहायता राशि कितनी है 5 लाख रुपए। तो आप ये याद रखते हो महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान में कितनी सहायता राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान वर्ष 2018 से किन्हें सम्मानित किया गया है, 2018 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर संत राम देशवाल और मधुकांत, और इनके लिए भी सहायता राशि कितनी दी जाती है 5 लाख रुपए दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान वर्ष 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2017 में दिया गया ये सम्मान डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा को, और इनको भी क्या है 5 लाख रुपए की राशि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना कम होने पर सरकार ने हरियाणा में सभी पाबंदियां कब से खत्म कर दी है? जो कोरोना आपकी बार बहुत बुरी तरह से आया है, तो इसके लिए भी सरकार ने बंद कर दी सभी पाबंदियां, तो वो कब से कर दी है? तो ये 17 फरवरी से। अभी एग्जाम में कोरोना से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोरोना जो कम हुआ था उसमें सरकार ने क्या है हरियाणा में सभी पाबंदियां खत्म कर दी है, तो वो कब से कर दी है 17 फरवरी से। तो इसको आपको ध्यान में रखना है 17 फरवरी से क्या है सारी पाबंदियां हटा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए अब कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? जो ऑनलाइन ठगी करते हैं लोग, उनके लिए अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, आप उन पे डायल करके उनकी शिकायत कर सकते हो। तो वो क्या है 1930 1930, ये नंबर है, इस पे डायल करके आप क्या है अगर आपको ऑनलाइन कोई ठगी हुई है तो आप उस पे शिकायत तुरंत करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में पराली से बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें पराली जलाते हैं उससे बिजली का उत्पादन करके क्या है ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो वो कौन सा जिला है, वो है हमारा रेवाड़ी जिला। ये एक अच्छी मुहिम है, अदरवाइज क्या है पराली जलने से काफी पॉल्यूशन होता है, तो अब क्या है इसको एक यूज कर लेंगे कि पराली से क्या है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने पानीपत नाम से सेना की एक स्पेशल यूनिट बनाने का ऐलान किया है? तो कौन सा देश है जिसने पानीपत नाम से क्या है एक सेना बनाएगी उसकी एक स्पेशल यूनिट बनाने का ऐलान कर दिया गया है? तो वो कौन सा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या है पानीपत नाम की एक सेना बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा में कितने खेल नर्सरी स्थापित करेगा? तो कितने खेल नर्सरी स्थापित करेगा, 1100 खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जिले का इग्रू अध्ययन केंद्र स्टूडेंट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बना है? तो कौन सा जिला है जिसमें इग्रू अध्ययन केंद्र है स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला पहला संस्थान बना है प्रदेश का? तो वो कौन सा है, हिसार। तो हमारा सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022 में संत गुरु रविदास का कौन सा प्रकाशोत्सव समारोह मनाया गया? तो वर्ष 2022 में कौन सा मनाया गया है गुरु रविदास का, 645 क्या है ये प्रकाशोत्सव मनाया गया है, और ये कब मनाया गया है, 16 फरवरी को। पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2022 में हरियाणा में महंगाई दर कितने प्रतिशत रही? तो हरियाणा में जो महंगाई की दर है वो कितने प्रतिशत रही, 7.23। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और हरियाणा के बाद ये पश्चिमी बंगाल दूसरे स्थान पर रहा है महंगाई दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंसों के 8 क्लोन तैयार करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज नाम करने वाली किस संस्थान की टीम को स्वर्ण पदक दिया गया है? तो आपको इसका तो सबको ही आंसर पता होगा, तो कौन सा वो होगा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा डॉक्टर आर के अनेजा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो अभी हरियाणा में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, तो कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा गांव हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बना है? तो कौन सा गांव है जो हरियाणा का ऑक्सीजन विलेज बना है? तो यह आ जाएगा तलवंडी राणा। तलवंडी राणा गांव है जो हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बना है, और ये तलवंडी राणा कहाँ है? हिसार जिले में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कितने जिलों को टीबी कम करने में योगदान के लिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए चुना गया है? तो हरियाणा के कितने जिले हैं जिसमें टीबी को क्या है, अभी सरकार का टारगेट है, अभी केंद्र सरकार का, कि 2025 तक क्या है टीबी को खत्म करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, टीबी को खत्म करने के लिए क्या है जिले चुने हैं जिनमें क्या है योगदान के लिए ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो कितने हैं? 6। और ये टीबी के मरीजों को ₹500 सरकार देती है कि वो अच्छा पौष्टिक आहार, हेल्दी फूड खाए और मतलब टीबी से मुक्त हो जाए। और ये 6 जिले आप बता सकते हो कौन कौन से हैं? झज्जर, पलवल, आप बता सकते हैं, पहले नंबर पे है झज्जर, दूसरे नंबर पे है पलवल, तीसरे नंबर पे है हमारा सोनीपत, चौथे नंबर पे है जींद, पांचवे नंबर पे है भिवानी और छठे नंबर पे है फतेहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया है? हमारे ज्ञान चंद गुप्ता जी ने क्या है उद्घाटन किया है ई विधान एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के नेशनल यूथ अवार्डी युवाओं को किस विभाग में नौकरी देने की घोषणा की गई है? तो जो हरियाणा के नेशनल यूथ है उनको, जो नेशनल यूथ अवार्डी है उनको कौन से विभाग में नौकरी देने की घोषणा की गई है? तो उनको खेल विभाग में क्या है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गुरुग्राम के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है? तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया को। ये दोनों क्या है, शतरंज खिलाड़ी है, महिला है, मास्टर तनिष्का कोटिया और उनकी बहन है रिधिका कोटिया, इनको हरियाणा में क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस गांव में जल बांध सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कौन सा गांव है, पाटखोरी गांव में क्या है ये जल बांध सुरक्षा योजना का परियोजना का उद्घाटन किया गया है, और ये कहां पे है, नुहू जिले में, पाटखोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? तो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है, कला रामचंद्रन, कला रामचंद्रन है, इनको क्या है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। और कला रामचंद्रन क्या है, इससे पहले रेवाड़ी, फतेहाबाद और पंचकुला जिलों में भी क्या है पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में वर्ष 2022-23 के लिए कितने सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2022-23 तक क्या है सोलर ट्यूबवेल लगाने का कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कितने? 50,000। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, हमने भी ये सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिया है और इसमें काफी इलेक्ट्रिक सेविंग है, मतलब अब बिजली का बिल नहीं भरना पड़ रहा है, तो ये अच्छे है, आप भी सोलर ट्यूबवेल लगवाइए अपने घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क का भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है? तो किस जिले में स्थापित किया गया है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीनियर नेशनल
वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस राज्य ने पुरुष खिताब जीता है? तो कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य ने क्या है पुरुष खिताब जीता है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। इसमें हरियाणा की टीम ने किसको हराया है? तो भारतीय रेलवे को हरा कर क्या है 3-0 से हरा कर अपने नाम किया है ये पुरुष खिताब। और ये कहाँ पे आयोजित की गई, तो आप ये भी बता सकते हो, ये भुवनेश्वर में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य में मंजूरी दी गई है? ये हमारे हरियाणा राज्य में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस शहर में अष्ट धातु से निर्मित भगवान परशुराम की 21 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? तो कौन सा शहर है हरियाणा का जिसमें क्या है भगवान परशुराम की 21 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? तो क्या आ जाएगा, सी गोहाना। गोहाना में क्या है ये प्रतिमा स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि विश्वविद्यालयों में किस संस्थान को 5वीं बार देश में पहली रैंक मिली है? तो कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है हमारा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसमें क्या है 5वीं बार क्या है 5 साल से नंबर 1 पोजीशन पे रह रहा है ये विश्वविद्यालय। और ये आपको पता ही होगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, करनाल में। इसको तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जहां पे ये रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ी खेले हैं? तो हरियाणा के कितने खिलाड़ी खेले हैं यहाँ पे? 3। और अगर आपसे पूछ ले कि वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो ये हैं हमारे गौरव सांगवान है, गेंदबाज है, निशांत सिंह रोहित रोहतक से है, और दिनेश बाना क्या है हमारे हिसार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है? तो हरियाणा सरकार ने 2022 को किस रूप में मनाने का संकल्प लिया है? सी हमारा सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है, संकल्प लिया है। हरियाणा के कितने सरकारी स्कूलों में साइंस लैब बनाई जाएगी? तो हरियाणा के कितने स्कूलों में साइंस लैब बनाई जाएगी? 54। 54 स्कूलों में क्या है साइंस की लैब बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कितने जिलों में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी? तो यहाँ पे ऑप्शन भूल गए हैं, ए बी सी डी आप कर लीजिए। हरियाणा के कितने जिलों में हाई सिक्योरिटी, कुछ भी कर लीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हरियाणा के कितने जिलों में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा C 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में जल जीवन मिशन को कब तक 100% पूरा करने का लक्ष्य है? तो हरियाणा में जल जीवन मिशन है उसको कब तक पूरा करने का लक्ष्य है हमारा? 2022, इसी साल ही इसको पूरा करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा? तो हरियाणा का कौन सा जिला है? करनाल जिला, जिसमें क्या है उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी मुहिम है एक, और इसमें कितने रुपए की लागत से बनाया जाएगा? इसमें 300 करोड़ रुपए लगेंगे और 15 एकड़ में बनाया जाएगा। आप इतना भी याद रख सकते हो कितने करोड़ रुपए लगेंगे। और इसमें क्या है 1,000 जो हैंडीकैप पर्सन है उनको रहने की, दिव्यांग है उनके लिए ये व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर B.R. अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए सरकार कितनी वित्तीय सहायता देती है? तो हमारे डॉक्टर B.R. अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत कितनी सहायता राशि देती है? 80,000 रुपये, जो गरीब लोग हैं जो अपना घर नहीं बना सकते उनके लिए ये मुहिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो कब से कब तक किया गया अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का? 3 से 5 फरवरी किया गया है।
और ये कहाँ किया गया है? पिहोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हरियाणवी खिलाड़ी को ग्लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामांकित किया गया है? तो वो कौन सी खिलाड़ी है? हमारे नीरज चोपड़ा जी, नीरज चोपड़ा जी को। और ये नीरज चोपड़ा आपको पता है कहाँ के रहने वाले हैं? पानीपत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इनका शुभारंभ किया है उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी ने। हरियाणा के कितने स्थल राष्ट्रीय रामसर साइट में शामिल है? तो कितने रामसर साइट में शामिल है? हमारा आंसर आ जाएगा A2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? हमारा गुरुग्राम में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको पता होना चाहिए कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 350 एकड़ में फैला हुआ है। और इसका अभयारण्य के रूप, वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसको कब बनाया गया था? 2 अप्रैल 1971 में, ये भी याद रखना आप। और अब 5 जुलाई को इसको क्या है? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। 5 जुलाई 1991 में इसको क्या है? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। और क्या है? 2 अप्रैल को वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये भिंडावास किस जिले में स्थित है? झज्जर जिले में। मैं तो इसको ऐसे याद रखती थी कि भिंडावास थोड़ा गंदा सा नाम है और इनमें भी क्या है, झज्जर थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इससे आपको याद करने में थोड़ी इजी होगा। और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 1000 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्या है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य जो झज्जर जिले में स्थित है, एक मीठे पानी की झील है जो हरियाणा में सबसे बड़ी है। ये भी आप याद रख सकते हैं। कौन सा शहर हरियाणा का एक ऐसा पहला शहर है जहां पर ड्रोन के जरिए मैपिंग का कार्य किया जाएगा? तो कौन सा शहर है वो जहां पे क्या ड्रोन के जरिए मैपिंग की जाएगी? तो वो है थानेसर। थानेसर है कुरुक्षेत्र में, तो वहां पे ये स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में लगभग 560 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें 560 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो वो है जींद जिला। और ये कितने एकड़ में बनाया जा रहा है? 24 एकड़ में बनाया जा रहा है। और 2023 तक ये बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे भारत की पहली OECM साइट घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया है। और अरावली जैव विविधता पार्क कितने एकड़ में फैला है? 390 एकड़ में फैला हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कैथल शहर से किस शहर तक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? तो कैथल शहर से किस शहर तक एक्सप्रेस बनाया जा रहा है? नारनौल, जो हमारा महेंद्रगढ़ में है, वहां पे क्या है, एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कितने ड्रोन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर खोले जा रहे हैं? खोले जाने का निर्णय लिया गया है। तो कितने ड्रोन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर खोले जाने का निर्णय किया गया है? 5। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा B। हरियाणा सरकार क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिडबी से कितने करोड़ रुपए ऋण लेगी? तो कितने करोड़ रुपए ऋण लेगी? 523 करोड़ रुपए ऋण लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हेल्दी लैब बनाई जाएगी? तो हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी जिसमें हेल्दी लैब बनाई जाएगी? तो ये C आएगा इसका ऑप्शन, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में ये लैब बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 फरवरी 2022 को
एचएयू हिसार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो एचएयू जो हिसार में है, इन्होंने क्या है 2 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, तो कौन सा 53वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में ऋषिकुलम विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई है? तो हरियाणा में ऋषिकुलम विद्यापीठ की कहाँ पे की गई है स्थापना? आदि बद्री। और आदि बद्री कहाँ पे है? ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है आदि बद्री। यहाँ पे क्या है, ये ऋषिकुलम विद्यापीठ की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो कल्पना चावला हमारी अंतरिक्ष यात्री है, इनकी जो पुण्यतिथि है ये कब मनाई जाती है? 1 फरवरी को। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई जाएगी? मनाई जाती है मतलब 1 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया जा रहा है? 2। ठीक है, एक तो हरियाणा के गुरुग्राम में जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, और एक झज्जर में भिंडावास वन्य अभयारण्य है, उनको आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसमें करंट अफेयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगी और आपको करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।